हेलो बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा 4 का पाठ 3 संज्ञा। इसका अभ्यास का प्रश्न नंबर क्या मैं करा चुकी थी। प्रश्न नंबर खा करा रही हूँ। हर वर्ग के तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए लिखिए। मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये एक नदी का चित्र दिया गया है। इसके लिए इन नदी के लिए विशेष नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, और भी बहुत सारी नदियां हो सकती है। एक लड़के का चित्र दिया गया है। मैंने इसके लिए एग्जाम्पल लिया ये और भी कोई नाम हो सकते हैं, रोहन, मोहन, सोहन। इसके बाद चित्र है इंडिया गेट का। इंडिया गेट, एक तो इसका नाम इंडिया गेट, और दूसरे ये दिल्ली में है, तीसरे दिल्ली में राजपथ पर है। तो इसके लिए आप लिखेंगे इंडिया गेट, दिल्ली, राजपथ। अगला प्रश्न है, केवल जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर सही चिन्ह लगाइए। जातिवाचक संज्ञा शब्द वो होते हैं जो पूरे समूह का जाति, पूरे समूह का बोध कराए। जैसे बालक, वैसे सभी बालकों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सभी पूरे समूह के लिए क्या कहते हैं, बालक। कपड़ा, कपड़ों की भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, कॉटन, सिल्क, ऐसे वैसे सभी को क्या कहते हैं, कपड़ा। तो आप, इसके बाद है किताब, किताबों के अलग अलग नाम होते हैं, मैथ, हिंदी, संस्कृत। तो किताब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है, और शेर जातिवाचक संज्ञा है। इन पर आप सही के निशान लगाइए। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। कैसे बनानी है, सबसे पहले ता लगाकर बनानी है। स्वतंत्र, स्वतंत्रता, समान, समानता, कठोर, कठोरता, सुंदर, सुंदरता। इसके बाद ई लगाकर बनानी है, अच्छा, अच्छाई, लंबा, लंबाई, गरीब, गरीबी, छोटा, छोटाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ड, इन वाक्यों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। पहला वाक्य, मनु की लंबाई सब लड़कों में सबसे अधिक है। इसमें विशेष नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा मनु। समूह का नाम है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा लड़कों। और भाव का नाम, यानी जिसको हम महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा होगी लंबाई। नेक्स्ट है, राम अपने साथियों से मित्रता का व्यवहार करता है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, जातिवाचक संज्ञा है साथियों, क्योंकि साथी बहुत सारे होते हैं, और भाववाचक संज्ञा मित्रता, मित्रता को हम महसूस करते हैं। इसके बाद वाक्य थर्ड है, हिंदी की किताब की अच्छाई पढ़कर पता लगी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया हिंदी, जातिवाचक संज्ञा किताब, क्योंकि किताब भी बहुत सारी होती है, और भाववाचक संज्ञा अच्छाई, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अगला वाक्य है, एवरेस्ट की ऊंचाई सभी चोटियों से अधिक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी एवरेस्ट, जातिवाचक होगी चोटियों, क्योंकि तो चोटियां बहुत सारी है, माउंट एवरेस्ट है, K2 है, ठीक है। वाचक संज्ञा है ऊंचाई। इसके बाद अगला वाक्य है, ताजमहल की सुंदरता ने पर्यटकों का मन मोह लिया। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है ताजमहल, क्योंकि एक विशेष नाम है, ताजमहल बहुत सारे नहीं है। जातिवाचक संज्ञा पर्यटकों, क्योंकि पर्यटक बहुत सारे होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ऐसे सबको पर्यटक कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जिसे हम महसूस करते हुए है सुंदरता। तो ये मैंने आपको प्रश्न कराए हैं, आप सभी को अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और याद करने हैं।